खबर है कि सस्ते और गैर मयारी मलबूसात पहनने पर बीवी ने शौहर से अलैदगी का मुतालबा कर दिया। ए तुसी हर वारी सन्नू और अपने वेखण वाले नूं सरप्राइज ही देंदे हो। कैसे? ए कुछ जगह दा चक्कर है, हुण फिर साडी कोर्स बदल गई। बस देखे कब सेटल होता है यहाँ पे कोई। माशाल्लाह इहो जी कोर्स कहिंदी नहीं, मैं रेस कोर्स थाने च एसएचओ भी नाल आई। अच्छा आपने टेंशन लेनी, ये लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, आपको हम वेलकम कहते हैं जी। हाँ जी, असं भी तुम जी आया कहने जी। ख्याल है कि इस खातून को तो खुश होना चाहिए कि खामद इतना खर्चा नहीं करता, वो कहती है ब्रांडेड कपड़े पहनो। भी नहीं, तुम खर्चे की गल कर रहे हो। भी उस बीवी ने उस खामद नाल किधरे जाना भी होगा। हाँ, किधरे होटल च खाना खान जाना हो, कि कोई शादी हो, कि कोई पार्टी हो, बेचारी कि शर्मिंदा हो खामद ने जो उसे बोरी की शर्ट पाई हो। बात करने का मकसद है कपड़े, ये जूते, ये बंदा ले ही लेता है, कर लेता है, आपके साथ वो प्यार करता है इंसान या नहीं करता, ये देखना। इंसान की शर्ट से अच्छा उसका अखलाक होना चाहिए। पर ये वकुआ कितों दा जी? ये वकुआ है मिस्र का। अच्छा, तो ये मिस्र का वाकया है जी? और मिस्र जी वेखे डे अन्ने बड़े 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 अहराम मिस्र, अहराम मिस्र 4,500 साल से खड़े हैं अहराम मिस्र, 100 से ज्यादा है, ब्यूटीफुल। और पंजवे अहराम मिस्र ते ना ए बंदा खलो के उथे दुआ मांग रहे मैं कि खैर जिथे मेरे अबू की मम्मी है। और सरदार साहब उत्थे रो रहे सन, मैं क्या की है, कहंदे इत्थे मेरी सगी मम्मी। मिस्र की खातून है करीमा, उनका सबसे बड़ा एतराज़ ये था अपने खामन के ऊपर कि वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते। उनका कहना था कि मेरा बहुत बड़ा सोशल सर्कल है और अपने खामन की वजह से ना मुझे एम्बेरसमेंट होती है कि कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, दैट एम्बेरसेस हर। तो ये पहले नहीं पता था उसे शादी से? शादी से पहले भी वो ऐसे थे, लेकिन उन्होंने जब करीमा को प्रपोज किया ना तो करीमा ने ये कंडीशन रखी थी कि आप अपने आप को बदलेंगे, विच ही प्रॉमिस्ड। कुछ अरसे के बाद वो फिर से वैसे हो। मिस्र का बाजार देखो, नई तहजीब के शाहकार। मिस्र के शाहकार हैं ये सब। ये गरिमा के अब्बू हैं। अरे मैं पुलिस वाला हूँ भाई। अच्छा अच्छा, शेख आजम हाजा। एंड आप करीमा के खामंद हैं? यस। और करीमा कौन है? मैं हूँ वो बदनसीब। ओए होए, मेरा नाम करीमा है। करीमा को अपने खामंद ने को करीमा लब। अच्छा शेख साहब, ये बराबर में कौन है? ये मेनू लगता बंगाली है, ते दा मिस्र च कोई नंबर लग गया। देखिए मैं एक अमीर आदमी हूँ। कैसे अमीर आदमी, तो खुद बताना पड़ रहा है अपने मुंह से। आपको नजर नहीं आ रहा? बहुत बारिश होनी, उर्दू बोल रहे हैं। मेरा बिजनेस पूरी दुनिया में ऐसे फैला है जैसे रहता फैलता है। तुसी ऐ वेखो ना, ओदी अमीरी दा अंदाजा लाओ, सब तो फिलाओ वाली शायर रहता है। रहता है। ये साथ में आपके खातून कौन है? बोल नहीं रही कुड़ी, मेरे ख्याल जाते अमीर आदमी की स्मेल ने चुप कराया या सकते जा गई। अज तक यह वेख्या कि गमलिया चो बूटे बाहर आते हैं। हाँ। गमलिया चो मूँह बाहर पै ली। ये खातून मेरी अहलिया है। हाजा अजीजा ओन। लो जी फिर इसे गल तो ना घर वाले ने इधर ब्याही है। अच्छा आप इनकी बीवी हैं, आप क्यों महंगी फरमाइशें करती हैं? किस चीज की महंगी फरमाइश है? अच्छे कपड़े पहनना ये महंगी फरमाइश है? देखिए इसके कपड़े देखें। ये अच्छा भला तो है, स्मार्ट लग रहा है, कोई ऐसा मसला तो नहीं? उसको देखें, वो डिजर्व भी नहीं करता, उसके कपड़े देखें। ओए ये तो है। हाजा शाहरुख हो जी शर्ट पाउंदा उन जे हो जी मैं पाई उन। हाजा शेख शाहरुख तो 10-15 मिनट हो जी शर्ट पाउंदा है, तू तो पिछले 15 साल तो पाई है। करीमा ये बताइए कि यही शख्स था जिससे आपने शादी की, फिर आपने इसे बदलने की कोशिश की, तो अब क्या आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती आप इनके साथ रहना? क्योंकि ये बदल नहीं रहा, इसलिए मैंने इसके साथ नहीं रहना। अच्छा ये कपड़े अच्छे नहीं पहनते, वैसे आपसे प्यार करते हैं, ख्वाहिशात पूरी करते हैं आपकी? देखे मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि ये अच्छा दिखे। मेरी सहेलियां अपने शोहरों की तस्वीरें दिखाती हैं, मुझे बहुत दुख होता है। नहीं वैसे आपके साथ अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, सच बोलते हैं, चीटिंग नहीं करते। नहीं क्या फायदा ऐसे अच्छे होने का, आपको नहीं पता मैंने इसके साथ कैसे गुजारा किया है। अच्छा आप दोनों का मसला तो हमें समझ आ गया, अब ये कपल क्यों शो में आया हुआ है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये पूछना चाहिए भी, ओ जड़ी लड़की है। हाँ। उन्हें ऐसी सजा क्यों मिली? जी बताइए। हम तो बहुत हैप्पी हो। आपका क्या नाम है? अजीजा। अजीजा आप अपने खामन से खुश है? बहुत। अच्छा तो ये बचपन से ही ऐसे हूटर बजा के बात करती है? इन दोनों को देख देख के मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। ये लकी कपल है। मैं नु रखन दे हक चो हैगा उन। हाँ तो वो नहीं रहना चाहती ना। हाँ तो अपने आप को चेंज करे ना। छोटी सी खामी नहीं है ये, बहुत बड़ी खामी, आपको नहीं पता। देखिए उनको एम्बेरसमेंट होती है, उनकी फ्रेंड्स उनको ताने देती हैं, तो कुछ अपने आप को बदले कोई फर्क नहीं। अच्छा ये खुद तो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, क्या आपको भी रोकते? नहीं मुझे कभी नहीं रोका, मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। बाजी दे की प्रॉब्लम हुई फिर? भाई खुद भी तो अच्छा लगे ना, आपको पता है इसने मुझे कैसे प्रपोज किया,
इतना गंदा संदा हो के इसने मुझे कहा था कि मैं शादी के बाद बहुत अच्छा हो जाऊंगा। अच्छा, घुटनों के बल बैठ के ऐसे मेरे आगे फूल किया। ये तो गर्दन लाने लगी सी हाजा। मैं कह मैं प्रपोज कर रहे हैं हाजा। अच्छा, फूल मेरे ख्याल से गुलाब का नहीं होगा। नहीं, गुलाब का फूल था पर मैला था। एक दूसरे के साथ कितने साल गुजारे हैं आपने? ये तो लड़ते हैं बस। हम लोग तो इतना प्यार करते हैं, मैं अपनी अहलिया के लिए कुकिंग भी खुद करता हूँ। आप तो एक ही बॉटल से दो स्ट्रॉ से पीते होंगे। नो, एक ही स्ट्रॉ। रामसेस ना सिर्फ मेरी इज्जत करते हैं, मेरे अब्बा जी आते हैं उनके पांव भी दबाते हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब सुन के। बस सब्र करो, थोड़ी देर की बात है। ओए मेरी बात सुनो, तुमने अपने आप को बदलना है कि नहीं? अगर नहीं बदलना तो इसे तलाक दो। आजा मेरी गाल सुनो, पैसा मेरे को बहुत उन करोड़ रुपया उन। अच्छा। ठीक उन, लेकिन मैं फिर भी नाल दे मुल्कां नु कहंदा उन लंडा आम कर दे उन, क्योंकि मैं लंडा पाउंदा उन। वैसे वीना, पैसा चाहे जितना भी हो लेकिन इंसान जो है वो क्लास नहीं खरीद सकता। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हो लाला जी। कई लोग ने जिन्हां नु अल्लाह ने बहुत बहुत नवाजिया है, अच्छा, मगर वो बड़े कंजूस ने। हाँ सही कह रहे हैं। गड्डी नहीं लई, एवं किसी नु कहना यार मैनू ड्रॉप दे दे, मोटरसाइकिल ते जा रहे ने, चप्पल पाई, अरबा पति ने। जब मैं कनाडा जाता हूँ मैं घंटों नियाग्रा फॉल की तरफ देखता रहता हूँ कि कोई है मैनू इसे धक्का दे दे। पानी जम जाता है इनको देख के। मैं तो थाईलैंड जाता हूँ फुट मसाज के लिए। उधर पूरा बाजार बंद होता कि बावजह एक जलील गाह के आज फुट मसाज बंद। आजा बेगम मैं इंजी रहना हूँ, तुम मेरे ना रहना तुम के नहीं? नहीं, शादी से पहले वादे किए थे ना कि जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा। अच्छा, ये अदरवाइज कैसे है? जेनरस है, काइंड है, केयरिंग है, वो सब क्वालिटीज है इनमें? मेरा ख्याल करते हैं, मेरी हर फरमाइश पूरी करते हैं, सिर्फ खुद अपना हुलिया ठीक। ले भाई, फिर आप दुनिया की सबसे नाशुक्री औरत। एग्जैक्टली, कितनी जिद्दी खातून है आप। हर ख्वाहिश पूरी कर दा उन, फिर मेरे कपड़े दे उते तनकीद कर दी उन। देखो मेरी बात सुनो, मेरी खातर ठीक नहीं हो सकते? तू ओदे कपड़े सवा दे, तेरे सिर ते चीता सवार होया, तेनू समझ नहीं आ रही? अलमारियां भरी पड़ी हैं, पहने भी तो हो। केड़े कपड़े सवाए तू ओदे? मैंने इसके लिए सुनील के कपड़े बनवाए हैं। हां जा, सुनील दे कपड़े मैं डांस करना हूं ना, सुनील दे कपड़े क्यों? अच्छा, आप दोनों किसी बात पे तो अग्री हो जाए ना, आप थोड़ा खुद को चेंज करें और थोड़ा आप भी लचक पैदा करें अपने रवैये। चलो वादा हो गया उन, अगले दो साल बाद मैं शर्ट चेंज कर लूंगा। बहुत अच्छा। वो चेंज नहीं करनी इंशाल्लाह, आस्ता आस्ता दो साल तक भुर भुर के थले डिग पेड़ी हूं। ठीक हूं हूं राजी हूं ना? इतने पल का भरोसा नहीं, तुसी दो साल की गल कर रहे हो, मैं नहीं होने दूंगा, जो फैसला होना है उन्हें सुना भाई। मिस्र में जो पुलिस है ये क्या तलाक के फैसले भी कराना शुरू हो गई? पहले भी तो पागल जाएगा पुलिस वाला, इतने पहले भी उन्होंने कढ़िया इन, यदि शादी हुई तो इन्हें हवाला च अपनी मसारी ला ली। बात सुने, क्या है? मेरी खातर खुद को बदल नहीं सकते? मैं क्या बदलूं उन, मैं कह देता उनके मैं शर्ट बदल लूंगा उन। मन ले भाभी दी गल, तू भाभी दे कपड़े पाने शुरू कर दे, भाभी तेरे पाने शुरू कर दे। मैं तो मर जाऊंगी। बेगम इनका पता नहीं झगड़ा कब खत्म होगा, मैं स्विमिंग पूल पे जा रहा हूँ। अब बिजनेस क्या करते हैं? कार ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ऑन। पीएसएल का मैच चल रहा है ना, जो कोई 50 बनाता है, कोई 100 बनाता है, वो फिर इन्हों का ट्रक आता टी 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 टी, वो ट्रांसपोर्ट इन्हों की चलन रही। ये तो मच्छर बैठा उन्होंने कहना पियो पियो, काफी प्यासे लगते हो। हेलो एवरीबॉडी, अगर आपने टीवी के ऊपर हमारा शो मस्तियाँ मिस कर दिया है तो यू स्टिल हैव अ चांस। आप जाएं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन का बटन ताकि जो लेटेस्ट एपिसोड्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। सो गो देयर एंड एंजॉय मस्तियाँ।